हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलो गाइस, वापस जा रहा हूँ भाई गांव के लिए, क्योंकि आज हमको जाना है वापस सूरत भी, तो गांव पहुँचना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी बाकी। वैसे तो ट्रेन शाम की हमारी, तो ऐसे पूरे दिन का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे नहाना धोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वैसे रात को हम चाची घर पर सो गए थे भाई, मज़ा आया, तो अब चल रहे हैं भाई। गाइस अभी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ भाई, और अभी भाई फुल पैकिंग चालू है भाई, शाम को निकलना अभी हमको। तो भाई कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बुरा तो लग रहा है जाने के लिए, लेकिन स्कूल वगैरह भी है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना मेरी दीदी की शादी आ रही है जनवरी में, तो वापस हम लोग गाँव आने ही वाले हैं, तो फिर वापस मज़ा आएगा। लेकिन तब ठंड और भी ज़्यादा होगी, मतलब अभी जितनी ठंड ना तब उसने तिबल ठंड होगी, मतलब भाई ख़तरनाक होने वाला है। तो अभी बस पैकिंग वगैरह ही कर रहे हैं, मेरा बैग तो मैंने थोड़ा ही पैक कर लिया है। चलो गाइस, भाई सारी पैकिंग वगैरह डन हो गई है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग, पांच बैग एक बाहर रखा है, और ये देखो भाई, ये पता नहीं क्या लेके जा रहा है, बाबा लोगों के ज़माने का ये टेलीफोन, पता नहीं सर क्या करेगा घर में, इसको क्या शोपीस बना के सजाएगा या क्या करेगा पता नहीं, फालतू में सामान बढ़ा रहा है, मान भी नहीं रहा। ये देखो हमने उधर वो जयपुर गए थे ना, उधर भी सिमडू से ऐसे पंखे थे, ये सब लेके जा रहा है भाई। ये देखो चलता होगा ये कैसे, दो पता नहीं, रख देता हूँ। इधर भी सब सामान रखा है भाई, वही है बस, जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो गाइस अभी आया हूँ छत पे कपड़े उतारने के लिए, सब कपड़े फोल्ड करके रखने हैं भाई, अब जाने का टाइम होने वाला है। मेरे को तो ना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जब भी गांव छोड़ के जाते हैं ना भाई, इतना ख़राब लगता है भाई। सूरत से जब गाँव आते तब तो एकदम फुल एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब वापस, अरे यार हाँ, तो मैं सब रहा था भाई, आते हैं तो सही है, लेकिन फिर जब जाने की बात आती है ना, फिर मेरे को क्या किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब ठीक है यार, रीति का रिवाज है, जाना तो पड़ेगा। फ्री टाइम देख लो भाई इस ब्यूटी को, पता नहीं कब देखने को मिलेगी। बाकी यार ये जस्टिफाई नहीं हो सकती है, ये व्यू, ये सुंदरता भाई, ये पूरा गांव, सनसेट, एक नंबर। और गाइस यहाँ पे मम्मी भाई खाना वाना बना रही है ले जाने के लिए, आलू की सब्जी बन रही है, और साथ में क्या, पराठे। चलो फिर पैकिंग वगैरह। चलो भाई सब भाई कहीं वही पीते पीलो और पीलो, एक बार यही ये पीलेगा, दो बार लेते हैं। लोग दूमा, चलो बाय बाय, ठीक है बाबा, बाय। हाँ ठीक है। चलो भाई अभी निकल चुके हैं भाई, और अभी जीप में बैठ चुके हैं। चलो गाइस स्टेशन पे तो पहुंच चुके हैं भाई, और भीड़ देख लो भाई एक बार, तुम लोग फुल भीड़ है। तो भाई इतना सारा सामान है हमारे पास, मोटे भाई, मोटे मोटे सुन तो भाई यार, सब सही है, लेकिन एक ही चीज़ की दिक्कत होता है क्या, सामान ज़्यादा है बस, मुझे सामान ज़्यादा देख के गाइस टेंशन हो जाती है यार, मम्मी सामान ज़्यादा है, बाकी तो और कुछ नहीं। चलो गाइस आ गई है भाई ट्रेन, मुल्ला चला रहा है मुल्ला। चलो गाइस अभी भाई खाना वाना खाते हैं, निकालो भाई। चलो गाइस अभी भाई रात काफ़ी हो गई है, सो जाते हैं, आप लोगों से मिलेंगे सुबह। चलो गाइस अभी सामान वामान उतार लिया, चलो बाहर चलते हैं फटाफट। चलो गाइस अभी रिक्शा में बैठ गए भाई, और सूरत में भाई जो गर्मी हो रखी है बहुत भयंकर वाली, और ट्रैफिक फुल ट्रैफिक है भाई, फुल ट्रैफिक। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और तुम तो नहा धोके तैयार हो गए भाई, गर्मी भाई इधर बहुत है, अच्छा डेढ़ टी शर्ट में पहनना है पड़ रहा है अब तो, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है भाई, नहा धो लिए ना। वैसे मम्मी तो लगी गई है खाना बनाने के लिए, चावल बना दिए, कढ़ी बना दिए। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड, अभी खाना वाना खाएंगे भाई, फिर रेस्ट वेस्ट करेंगे थोड़ा, और अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को भाई सूरत की जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे। तो
तो भाई पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।